दोस्तों खुशखबरी, लंबे समय बाद टीम इंडिया में लौट आया है स्विंग का सबसे बड़ा किंग। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला खेल रही है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला खेलने के बाद भारतीय टीम को जिम्बाब्वे का रुख करना है। दरअसल दोस्तों जिम्बाब्वे श्रृंखला की बात करें तो वहां पर भारतीय टीम को 3 वनडे मुकाबले खेलने, ऐसे में तीनों वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और भारतीय टीम ने ऐसे खिलाड़ी की वापसी कराई है जिसे देखकर जिम्बाब्वे काफी ज्यादा डर रहा, क्योंकि दोस्तों उसकी स्विंग होती गेंदों का खेलना और उसका सामना करना सभी खिलाड़ियों की बस की बात नहीं होती है। ऐसे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच शुरू होने वाली सीरीज की डेट की बात करें तो 18 अगस्त को पहला मुकाबला होगा। 3 T20 मुकाबले जो खेले जाएंगे वो होंगे 18 अगस्त, 20 अगस्त और 22 अगस्त को। तीनों मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे और भारतीय समय अनुसार 12:45 से मुकाबले शुरू होंगे। ऐसे में कल आए स्क्वाड में काफी सारे बड़े और ब्लंडर चीजें देखने को मिली। दरअसल दोस्तों उस स्क्वाड में कई सारे बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, उसी में एक नाम है भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्विंग बॉलर यहां पर दीपक चहर की। दीपक चहर जो चोटिल हो गए थे और भारतीय टीम से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन अब दीपक चहर ने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया है और अब वो टीम इंडिया में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में दीपक चहर की वापसी से देखने वाली बात यह होगी कि दीपक चहर के आने से टीम इंडिया किस तरह से हो जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया एक शानदार टीम है। ऐसे में दीपक चहर जैसे खिलाड़ियों के आने से टीम इंडिया अगर बैलेंस होती है तो देखने वाली बात होगी कि दीपक चहर जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि सामने वर्ल्ड कप खड़ा है। ऐसे में दीपक चहर जैसे खिलाड़ी अगर टीम इंडिया की कमान संभालेंगे और बॉलिंग में रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे, तो भारतीय टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपके हिसाब से क्या दीपक चहर की एंट्री से टीम इंडिया को फायदा होगा, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।